दुनिया भर में लुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इस खास दिन पर दुनिया भर की सरकारें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान आयोजित करती हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल अलग अलग थीम से इस खास दिवस को मनाती हैं। दुनिया भर से लुप्त हो रहे जंगली फल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। इस खास दिन की याद में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में तय हुआ था कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस साल विश्व वन्यजीव दिवस की थीम वन और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना है। बता दें कि पिछले साल 2020 में विश्व वन्यजीव दिवस की थीम पृथ्वी पर जीवन कायम रखना रखी गई थी। वहीं इससे पहले साल 2019 में पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए की थीम पर वाइल्ड लाइफ डे का आयोजन हुआ था। साल 2018 में शेर बाघ जैसी बिल्ली की प्रजातियों को शिकारियों के खतरे से बचाने के लिए बड़ी बिल्लियां शिकारियों के खतरे में की थीम रखी गई थी। आपको बता दें कि पशुओं और पौधों की करीब 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। इस पर नज़र रखने वाली संस्था IPBES के मुताबिक इंसानों के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक 6 करोड़ वर्ष पहले जब इंसान नहीं थे तब के मुकाबले आज 1000 गुना ज़्यादा तेजी से प्रजातियों की संख्या घट रही है। इस रिपोर्ट का कहना है कि फिलहाल जो कुछ भी रह गया है उसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि ताजे पानी में रहने वाले जानवरों की नस्लों में सबसे तेजी से कमी हुई है। साल 1974 से लेकर 2018 के बीच करीब 84% की गिरावट दर्ज की गई है।